गरियाबंद से जहां गरियाबंद में गुट खुट गांव से धूप होट तक बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। साल भर में ही पूरी सड़क उखड़ गई। सड़क के हालात खराब होते जा रहे हैं और सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, कहना मुश्किल है। साल भर में सड़क का क्या हुआ है? 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया था, मगर सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों की शिकायत पर सत्याग्रह समिति ने बीते दिनों सड़क का निरीक्षण किया और निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। समिति के सदस्यों ने जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की है। किस लिया संस्कृति दिखा रहा है इस रोड में, पर या हमारे जानते हैं धूपकोट से झुगली वाटा के जो बीच है वहाँ मात्र 3 पुलिया बना है, मात्र 3 पुलिया बना है। सत्याग्रह इन ग्रामीणों के साथ है और इनकी आवाज को हम जिला स्तर पर लेकर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राजधानी स्तर पर जाएंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं तो हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार है। गुणवत्ता नाम की चीजें नहीं है ना, यहाँ पे किसी प्रकार के ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता काम किया गया है, पूरा एकदम घटिया स्तर काम किया गया। पूरे ग्रामीण क्षेत्र के परेशान है और ग्रामीणों के समस्याओं को सुनते हुए आज सत्याग्रह की टीम रोड के इंस्पेक्शन के निकली और यहाँ आने के बाद हमको मालूम चला, देखे हमने आंखों पे देखा है कि कितनी गुणवत्ताहीन काम किया गया है। डामर का नाम नहीं है, रोलर का नाम नहीं है,